टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से सुनेंगे, अच्छे समझ में आता है आपके। आज का टॉपिक जैसे विगत है, हमें पता है पहले से ही। अभी किसी कई लोग के सवाल आए थे, कई लोग ने जैसे टेलीग्राम पे पूछा था, टेलीफोन पे पूछा था। हैं, चालू हो गया? नहीं हुआ चालू? तो टाइम पे चालू होगा फिर इसका मतलब। ये देखिए अपने भी देख लाइव है भैया। हेलो हेलो करिए जरा लाइव। हाँ यार, मोतीलाल जी और ग्रांड। हाँ हाँ, इसका मतलब टाइम से होता है लाइव ना। हाँ, तो तमाम लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप लोगों का स्वागत है, जो लोग भी इंडिया से देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग बाहर से देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग मेरे दिल के करीब हैं उनके लिए भी, और जो मुझसे दूर है उनके लिए भी, सबके लिए का स्वागत है। और सभी लोग को आपको नमस्कार है, आदाब है, अस्सलाम वालेकुम। बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग टेलीफोन पर पूछ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपको बताते रहते हैं कि किस टाइप से क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें डायरिया के ऊपर आज बोलना है कि डायरिया कितने टाइप का होता है, डायरिया के लक्षण क्या आएंगे और डायरिया का इलाज क्या होगा। हम इसके ऊपर एक एक करके आपको बताएंगे। उससे पहले हम लोग अपने जितने लोग अभी ऑनलाइन हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने लाइक नहीं कर रहे हैं लोग, लाइक करते रहिए। आप लोग लाइक करते रहें और मेरी बातों को सुनते रहें। एक एक चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ डायरिया से संबंधित। कल भी बहुत सारा बात आपको मैंने बताई थी और आज भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। हम लोग एक एक करके आज चर्चा करेंगे कि किस टाइप से हम काम करें, कैसे काम नहीं करना चाहिए। और ये बरसात में बहुत सारी दिक्कत डायरिया की आती है। अब मालूम है बरसात में डायरिया की दिक्कत क्यों आती है, ये भी हम बताएंगे कि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा डायरिया क्यों होता है। ये बड़ी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ हम लोग आपको बताते रहते हैं और एक से एक चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। बहुत उपयोगी जानकारी आज आपको मिलने वाली है और मिलती रहेगी। तो अब हम शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अभी कुछ लोग कम हैं, फिर उन लोग को दिक्कत होती है, तो मैं तब तक आपको हलो हाई कर लूँ। जल्दी जल्दी आप मैसेज कर दीजिए। प्री मैच्योर डिलीवरी के बाद दूध आने की संभावना कम रहती है, बिल्कुल सही रहती है। राजस्थान से आपका भी स्वागत है सीताराम जी। अभिषेक यादव जी आपका भी स्वागत है, डेविड कुमार आपका भी स्वागत है, रीना देवी आपका भी स्वागत है, सोमवीर आपका भी स्वागत है, प्रवीण आपका स्वागत है, मंतू पटेल आपका भी स्वागत है, बाबू मिश्रा आपका भी स्वागत है, अमित पूरक आपका भी स्वागत है, और बिहार से है ये बिट्टू आपका भी स्वागत है, रवि सिंह आपका भी स्वागत है। और जल्दी जल्दी आप आइए, जल्दी जल्दी। सचिन मीना आपका भी स्वागत है, अनुराग विशाल संदीप अवधेश अभिषेक मेरठ से, फरमान ठाकुर जी, सचिन कुमार, ताजुद्दीन, ये सभी लोग, अरविंद कुमार, रीना, सभी लोग का स्वागत है। लव फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान वालों के लिए भी। मदन जी, माघवेंद्र सिंह बोरावास, वेरी गुड, बोरावास के लोग, मेरी पोस्टिंग वहाँ रही है, बहुत वहाँ से क्षेत्र से प्यार मिला है। बालाजी, एक एक चीज़ आजकल मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। आप ट्रेनिंग विष्णु राय, दीपक
तमाम लोग हलो हाय कर ही रहे हैं बिहार से, ये सिद्धार्थ पांडे जी, विष्णु पांडे जी, ये बंगाल से हैं जिनकी भाषा को नहीं समझ पा रहे, रीना देवी, तो ये काफ़ी लोग सारे आ गए हैं। जानवर दवा जानवरों को, और ये जमील शेख हैं, डेविड हैं, विष्णु हैं, और ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। मोहम्मद आदिल है, विष्णु जी है, वीरेंद्र सिंह है, मोतीलाल जी है, और ये सारे लोग जो है, जहीर अहमद जी हैं, घोष जी हैं, इनका सबका मैं स्वागत करना चाह रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोग आपसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से, कहाँ से बात की जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। अब हम आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, करेंगे। ये सबसे ज़्यादा पशु में बीमारी इसी सीजन में होती है। इस सीजन में पशुओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है ये भी बताया जाएगा, बरसात में बीमारी क्यों होती है ये भी बताया जाएगा, लेकिन हम मेन फोकस रखेंगे डायरिया पर, कि डायरिया से हम अपने पशुओं को कैसे बचाएं। हर इंसान को, पशुपालकों को डायरिया की मालूमात होनी चाहिए कि डायरिया कैसे होता है, डायरिया के सिम्टम्स क्या हैं और डायरिया का इलाज क्या है। हमारा उद्देश्य पशुपालकों को जागरूक करना है, किसानों को बताना है, साथ में जो छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको भी करेक्ट करना है कि वो इलाज जो भी कर रहे हैं वो सही करें। तो पशुपालक भाइयों से मेरा अनुरोध है, आज मुझे चार पांच लोग के फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि हमने जेल खिंचवा ली और हमारी भैंस दूध नहीं दे रही। प्लस अब ब्याद का सीजन है, भैंसें बहुत सारी ब्या रही हैं, जो लोग जेल निकलवाते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो जेल ना निकलवाएं, और जो लोग जेल प्लेसेंटा को मैनुअली निकालते हैं, हाथ से निकालते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो जहाँ तक कोशिश हो सके हाथ से जेल को ना निकालें। आजकल टेम्परेचर के बहुत केस चल रहे हैं, मैंने टेम्परेचर की बहुत सारी चीज़ें बताई कि टेम्परेचर को किस तरीके से मेंटेन करना है कि टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े, कम ना हो। और एक वीडियो मैं आपके लिए जानकारी के लिए डालने वाला हूँ, वो बहुत ही शानदार वीडियो है, थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, उस वीडियो को जब मैं डालूँगा तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ काम किया गया है। काफ है, और काफ पिछले एक दो दिन से लेटा था, कोई मूवमेंट नहीं था उसमें, ना कान चला रहा था, ना आँख चला रहा था, ना पूँछ चला रहा था, ना बैठ पा रहा था, बिल्कुल लेटा पड़ा था, मरण अवस्था में था, नियर टू डेथ था। तमाम लोगों ने उसके बारे में मना कर दिया था कि ये ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसमें हमने उसके पे ट्राई किया और वो लवारा दवा लगते ही 5 से 10 मिनट के बाद वो होश में आ गया और खड़ा हो गया और चलने लगा। तो जब हम किसी चीज़ को पॉजिटिव के तरीके से काम करते हैं तो हमें पॉजिटिव इलाज करना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को समझना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, नेगेटिव एनर्जी के साथ काम करेंगे तो आपके नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। अब आप डायरिया के ऊपर आ जाइए, अब हम डायरिया की बात करते हैं। डायरिया शूटिंग डायरिया होता है, शूटिंग डायरिया का मतलब है शूट करना, गोली मारना, इतना तेज वो धार मारती है कि 1 से 2 मीटर दूर जाके गिरता है। जब फोर्स के साथ गोबर करने लगे, दूर जाके पॉक मारने लगे, उसे पॉकनी रोग भी बोलते हैं, शूटिंग डायरिया, ये बहुत तेज़ दूर जाने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि ये भैंस को डायरिया हो गया। एक डायरिया होता है कि गोबर में बुलबुले आते हैं, झाग आते हैं, एक में बदबू आती है, ये सब अलग अलग टाइप के डायरिया हैं। एक एसिडोसिस का डायरिया होता है, न्यूट्रिशन की वजह से होता है, एक टॉक्सिसिटी की वजह से होता है,
जहर फैल गया उसकी वजह से होगा, एक डेफिशिएंसी की वजह से होता है, किसी पोषक तत्व की मात्रा कम शरीर में है उसमें से ख़ास तौर से कोबाल्ट अगर कम हो जाएगा बॉडी के अंदर तब डायरिया हो जाएगा, सेलेनियम की डेफिशिएंसी अगर कम सेलेनियम कम हो जाएगा तब डायरिया हो जाएगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉपर अगर कम हो जाएगा तब भी डायरिया हो जाता है। तो जहाँ डायरिया नहीं कवर हुआ वहाँ पर मैंने अपने फार्मूले जो याद किए उस फार्मूलों को दिया और वो पशु ठीक हो गए। पाकिस्तान वाले बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं और आप लोग भी देख ही रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मैंने डायरिया के प्रकार आपको क्या क्या बताए, वो डायरिया जिसमें झाग आते हैं, वो डायरिया जिसमें बदबू आती है, वो डायरिया जो शूटिंग करता है, एक वायरल डायरिया भी होता है, एक होता है बैक्टीरियल डायरिया, बोवाइन वायरल डायरिया, बोवाइन उसका नाम ही बोवाइन बैक्टीरियल डायरिया है। एक डायरिया कौन सा होता है, बैक्टीरियल डायरिया होता है। तो सारे जो डायरिया है उन डायरिया सारे डायरिया का जब हम इलाज करने पर आएंगे तो उसके रूल थंब रूल क्या है डायरिया का ट्रीटमेंट करने का। डायरिया होता क्यों है, दस्त क्यों होते हैं, गोबर पतला क्यों होता है, बताइए, कोई बताइए कि डायरिया। चलिए अब हम सेशन क्वेश्चन सेशन करते हैं। आप लोग मुझे लिखकर बताइए कि डायरिया क्यों होता है, बताएं आप कि डायरिया का कारण क्या है, ऐसा कौन सी चीज़ होती है जिससे डायरिया होता है। बताएं आप ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे डायरिया होता है। आप लोग शायद मेरी बात को नहीं सुन पा रहे, फिर मैं ही बताता हूँ। इनडाइजेशन आपने लिखा, इन्फेक्शन भी लिखा आपने। डॉक्टर साहब डायरिया का बता दिए बच्चों के लिए, डायरिया का कारण क्या होता है, ई कोलाई, ये भी आपने ठीक बता रहे हैं, ये तो आप कारण बता रहे हैं, इन्फेक्शन होता है लेकिन डायरिया के वर्म से भी होता है मैंने बताया, तो ये तो मैं ही बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें आप बताइए कि किस टाइप से होता है ये डायरिया। आप लोग पेट के कीड़ों के कारण होता है, ठीक है, पेट के कीड़ों इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, ये भी ठीक बताया। ये सारी चीज़ें आप लोग बता रहे हैं, इसमें ख़ास बात इंटरनल पैरासाइट की वजह से तो होता ही है, लेकिन ऐसा क्या होता है, रूमन एसिडोसिस से भी होता है, फ्लूक से भी होता है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आसोमा साहब फूड पॉइजनिंग से होता है, लेकिन भाई डायरिया तो आप लोग मेरी बात को शायद समझ नहीं पा रहे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डायरिया ऐसी कौन सी घटना पेट के अंदर घटती है जिससे गोबर पतला आने लगता है, वो वम्स का भी हो सकता है, बैक्टीरिया का भी हो सकता है, वायरस का भी हो सकता है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, लेकिन वो ऐसा पेट के अंदर क्या काम होता है जिसकी वजह से, ट्रेवलिंग से भी होता है, जिसकी वजह से वो गोबर पतला पशु करने लगता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, और आप देखिए बहुत आप लोग नहीं बता पा रहे, नहीं पहुँच पा रहे। अब हम आपको बता रहे हैं कैसे होता है। जहाँ पर हमारा पेट के अंदर से जब डाइजेस्टिव चीज इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है, इन्फ्लामेशन इंटेस्टाइन कुछ कुछ निकल के आया, जब आ जाता है इंटेस्टाइन की कैपेसिटी, आंतों की कैपेसिटी, आंतों का काम है जो इंटेस्टाइनल फ्लूड है उसको एब्जॉर्ब करना, जब हमारी आंतें इंटेस्टाइनल फ्लूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, उस पानी को नहीं सोख पाएंगी जितना उन्हें सोखना चाहिए,
तब वो पानी गोबर के साथ निकलेगा और वो डायरिया कहलाएगा। इसका मतलब ये निकल के आया कि हमारे आंतों के अंदर से पानी सूखने की क्षमता कम हो गई, इसलिए वो लेट्रिन के साथ उसमें गोबर के साथ उसके अंदर पानी आ रहा है, चूँकि पानी आंतों द्वारा सोखा नहीं जा रहा, एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा। एब्जॉर्बेशन इंटेस्टाइन का कम हो जाएगा तब क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। अब हम डायरिया के बारे में बता दिया, अब ऐसी कौन सी दवा हो कि डायरिया में एकदम रिजल्ट आ जाए। वो दवा हम आपको बताने जा रहे हैं, वो कौन सी दवा है, अब आप उसको डायरिया का इलाज देखिए क्या क्या है। सबसे पहले थंब नियम है, अगर डायरिया हो जाता है तो क्या करोगे आप, अगर डायरिया हो जाता है किसी पशु के लिए तब आपको क्या करना है, सबसे पहले बताइए क्या करना है। इन्होंने बताया सल्फा बुलेट देंगे, 4 पानी बदल देंगे, मुल्तानी मिट्टी सल्फा ग्रुप की दवाएं देंगे, ये इन्होंने बताया। अरविंद यादव जी ने बताया कि सबसे पहले हम उसकी डीवर्मिंग कराएंगे, तमाम लोगों ने लिखा है डीवर्मिंग कराएंगे। तो सबसे पहले जो भी किसी भैंस को डायरिया हो रहा है, पशु को डायरिया हो रहा है, तो उसको क्या करोगे आप, डीवर्मिंग कराओगे। डीवर्मिंग का मतलब है उसे पेट के कीड़ों की दवा दोगे। पेट के कीड़ों की दवा देने के बाद आपको ये चीज पता चल जाएगी कि वर्म्स इन्फेस्टेशन अगर है पेट में, अगर कीड़े हैं तो उसको क्या करना है आपको। तो एक जो फैक्टर बहुत बड़ा है दस्तों का, डायरिया का, वो क्या था, वर्म्स इन्फेस्टेशन, पेट के कीड़े। जब पेट के कीड़े आप मार लोगे, ख़त्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो क्या होगा, डायरिया का जो बड़ा कारण था वो डायरिया वहाँ से ठीक हो जाएगा। इसके बाद डायरिया ठीक नहीं होता है तो हमारा एक पॉजिटिव एजेंट हमने ख़त्म कर दिया कि हमने वम्स कर दिए। अब हम दूसरे चीज पे आएंगे, डीवर्मिंग आप नहीं कराते, हर पशु को 3 महीने के अंदर डीवर्मिंग कराइए। एक जगह मैं लेक्चर दे रहा था, सुन लीजिए आप, मोटिवेशन है। मैं लेक्चर जब दे रहा था तो लोगों, मैंने कहा हर पशु के पेट के अंदर कीड़े होते हैं, अगर आप 3 से 4 महीने के अंदर पेट के कीड़ों की दवा दिलाते रहेंगे या देते रहेंगे तो पशु को डायरिया भी नहीं होगा, पशु बीमार भी नहीं होगा, पशु की रोग उससे लड़ने की क्षमता भी बरकरार रहेगी। मैंने कहा कि हर पशु के पेट में कीड़े होते हैं, तो चौधरी साहब ने कहा कि मेरे पशु के पेट के अंदर कीड़े होते ही नहीं हैं। तो मैंने कहा कि अगर पशु को दस्त हो रहे हैं तो कीड़ों की वजह से हो सकते हैं, पशु की आँख से पानी आ रहा है तो कीड़ों की वजह से आ रहा है, पशु के दूध उत्पादन क्षमता कम हो रही है तो कीड़ों की वजह से हो रही है, अगर पशु गियावा नहीं हो रहा तो कीड़ों की वजह से हो रहा है। अगर कीड़े कितने टाइप के होते हैं, खाल के ऊपर कीड़े होते हैं, और इंटरनल ऑर्गन में कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, आँख में भी वर्म्स होते हैं, लंग्स में भी वर्म होते हैं, लंग वर्म, आई वर्म, सब में होते हैं। तो ये चीज़ हमने बताई आपको कि वो ये लक्षण होते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम दवा खिला लेंगे कीड़ों की दवा, लेकिन आज हमें ये साबित कर दीजिए आप कि भैंस के पेट में कीड़े हमें दिखा दीजिए। तो मैंने उन्हें पेट के कीड़े दिखाए और उसके बाद उन्होंने पेट के कीड़ों की दवा ली और खिलाया। आपको भी मैं पेट के कीड़े मोबाइल पर दिखाना चाहूँगा कि पशुओं के पेट के कीड़े कैसे होते हैं। और साहब कैसे होते हैं आप बताइए, तो मैंने कि मैं बताता हूँ पेट के कीड़े कैसे होते हैं। अगर किसी भैंस ने गोबर किया और उस गोबर का कंडा उपला आपने थोप दिया और 3-4 दिन के बाद आपने गोबर नीचे से उठाया, तो जैसे गोबर का कंडा उपला उठाएंगे तो उसके अंदर से कीड़े निकल के आते हैं। मैंने उनसे कहा
कि ये कीड़े कहाँ से निकल के आ गए, तो चौधरी साहब ने कहा कि ये मिट्टी में से निकल कर गोबर को खाने आए हैं, गोबर इसका खाना, कीड़े मिट्टी में से निकल के आए। मैंने कहा ऐसा नहीं है, अगर गोबर के उपले को आप पक्की ज़मीन पे भी थोप दोगे, छत पे भी थोप दोगे, तब भी उसके अंदर कीड़े निकलेंगे, 5-6 दिन के बाद 4 दिन के बाद कीड़े उसके नीचे से उठाओगे तो कीड़े निकलेंगे। बोले डॉक्टर साहब मैं नहीं समझ पा रहा। मैंने कि मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जब भैंस ने गोबर किया था, गोबर के साथ उसके अंडे और बच्चे उसमें मौजूद थे, लेकिन भगवान ने हमें इतनी ताकत हमारी आंखों को ना दी थी कि हम उन कीड़ों को पहचान लेते, आंखों को इतनी ताकत नहीं दी थी कि इतने छोटे कीड़ों को हम देख पाते। जब 4-5-6 दिन के बाद वो छोटे से बच्चे से बड़े हो गए तो हमने उसे देखना शुरू कर दिया। इसलिए वो जब भैंस ने गोबर किया था तो वो गोबर के अंदर आ गए और वो छोटे छोटे थे, बड़े हो गए, वही चारे के साथ मिलकर दूसरी भैंस में जाते हैं, वो तीसरी भैंस में जाते हैं। अगर आपने पेट के कीड़ों की दवा सारे पशुओं को एक साथ दे दी है तो वो कीड़े सब मर जाएंगे, कीड़े इधर उधर नहीं जाएंगे। तो समझाने के लिए मैंने बोला कि समय रहते हुए अगर आप पेट के कीड़ों की दवा दे दोगे तो वो अंदर उनके माँ बाप मर जाएंगे, और जब उनके माँ बाप अंदर मर जाएंगे तो बाहर उनके अंडे बच्चे नहीं आएंगे, जब उनके अंडे बच्चे बाहर नहीं आएंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। फिर इस पे मैंने उदाहरण बताया और उदाहरण ये था कि कृष्ण भगवान का लेसन का टॉपिक एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे और बच्चों से ये कह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, 3rd-4th के बच्चे थे, 5-6 साल के बच्चे होंगे, पढ़ाते हुए टीचर ये कह रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि कृष्ण भगवान के माँ बाप को एक जेल के अंदर बंद कर दिया था, जैसे कृष्ण भगवान के माँ बाप के बच्चा होता था उन्हें कंस मरवा देता था, एक बच्चा होता था कंस मरवाता था, दूसरा बच्चा होता कंस मरवाता था। तो छोटे से बच्चे ने खड़े होकर कहा कि वो मास्टर जी ये बताइए कंस कौन था। बोले कंस कृष्ण भगवान का मामा था। तो बोले जब मामा था तो फिर क्यों मरवा देता था, ये चुटकुला ही बन जाएगा, मामा था तो क्यों मरवा देता था। बोले ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ था कि ऐसे ज्योतिषी थे जिन्होंने ये बताया था कि अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरे कुल का सर्वनाश कर देगा तो इसलिए वो उन्हें मरवा देता है। छोटा सा बच्चा कहता है कि मैं इस बात पे यकीन नहीं करता, कृष्ण को उनको कंस को इतना ज्ञान प्राप्त नहीं था कि अगर उनको अलग अलग जेल में बंद कर दिया जाता तो बच्चे पैदा होते ही नहीं, जब बच्चे पैदा नहीं होते तो फिर मरने का सवाल ही रहता। अगर इनके कीड़े कि गोली अगर आपने पहले ही दे दी, उनके माँ बाप अंदर मार दिए तो बाहर बच्चे उनके नहीं आएंगे, बाहर इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो उसने कहा कि एक ही जेल में एक ही कमरे के अंदर कृष्ण भगवान के माँ बाप को रखने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, उनको अलग अलग जेल में रखते तब बच्चे पैदा नहीं होते। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इसके इलाज पर आएंगे। और डायरिया का सबसे प्रथम इलाज क्या है, मैंने बताया डीवर्मिंग। अगर भैंस प्रेग्नेंट है तो आप उसकी फेनबेंडाजोल से करा सकते हैं, ऑक्सीक्लोराइड लिवामिसाज़ोल से करा सकते हैं, और अगर भैंस नॉन प्रेग्नेंट है तो आप एल्बेंडाजोल से करा सकते हैं, फिर किसी से भी करा सकते हैं। तो अब आपने क्या कहा, अब आपने करा डीवर्मिंग के बाद पेट की कीड़ों की दवा देने के बाद आप क्या करोगे, एंटी डायरियल दवा देनी है। एंटी डायरियल दवा कौन सी है, एंटी डायरियल दवा कौन सी है, सल्फाडिमिडीन। सल्फा ग्रुप को अगर आप देंगे, सल्फ्रिम नाम से आईवी भी आता है और
इंट्रामस्कुलर भी आता है और सल्फा बोलस भी आता है। फिर ओ फ्लॉक्सासिन टीजेड, वेडसिप टीजेड, ये सारी डायरियल है, एंटी डायरियल दवाएं, इनका आप प्रयोग करेंगे ओरली भी और इंट्रामस्कुलर भी। और इन सब का प्रयोग करने के बावजूद भी अगर दस्त बंद नहीं होते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है? एसिडियोसिस। अगर वो एसिडियोसिस की वजह से दस्त हैं तो मैंने आपको बताया था कि उसके ग्रेन कम करा दीजिए, उसका दाना कम करा दीजिए, और दाना कम कराने के बाद आप उसको देखिएगा, उसके दस्त बंद हो जाते हैं। और दूसरी कारण मैंने क्या बताया आपको, दस्तों कारण क्या बताया था मैंने आपको, कॉपर डेफिशिएंसी, कोबाल्ट डेफिशिएंसी। तो कॉपर और कोबाल्ट मिनरल मिक्सचर में आता है, अगर आप मिनरल मिक्सचर देंगे तब भी उसका डायरिया लगातार दोगे तो भी बंद हो जाएगा। उन केस में जहां पर आप सब कुछ देने के बाद, एंटी डायरियल मेडिसिन देने के बाद भी उसका दस्त बंद नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या दोगे, मिनरल मिक्सचर दोगे, सेलिनियम दोगे, और आप आपको कोबाल्ट दोगे, और आपको कॉपर डेफिशिएंसी है ये दोगे आप। और सेलिनियम का इंजेक्शन भी आता है, आप उसको सेलिनियम का इंजेक्शन भी लगाइए, अगर जहाँ दस्त बंद नहीं हुए दो इंजेक्शन सेलिनियम के लगा के देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और उसके दस्त बंद हो जाते हैं। लोगों ने पैसे भी डालने शुरू कर दिए हैं, आप लोग का सबका स्वागत है, आप लोग कितना प्यार और सम्मान करते हैं इसका अंदाज़ा इसी बात से लग जाता है कि आप लोग लगातार मुझे सुनते रहते हैं जितनी देरी बोलूं। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि 92 आपके लाइक हैं और देखने वाले 150 लोग हैं, ये क्या वजह है कि आप क्यों नहीं कर रहे? बायोट्रिम बोलस भी आता है, इसको बढ़ाइए 93 से 150 करिए आप। एक एक चीज करके मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरिया का क्या क्या कारण है, कि डायरिया को हम किस तरीके से दूर करेंगे। अब डायरिया की मैं एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूँ जो रामबाण है, जहाँ पर सारी दवा फेल हो जाएगी उसको आप देंगे और वो डायरिया ठीक हो जाएगा। लाइक आपने करे तो 105 हो गए, अभी 141 150 तक पहुँचने हैं, और जो भी लोग सुन रहे हैं उसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दिए। इसलिए आपको जो है, भगवान ने घमंड तो रावण का भी नहीं रखा, वो उमर खां का भी नहीं रखेगा, वो शमशेर का भी नहीं रखेगा, वो संजय का भी नहीं रखेगा, वो आपका भी नहीं रखेगा। भगवान को घमंड पसंद नहीं है, भगवान को नीची आवाज़ पसंद है, भगवान को नीचा सर पसंद है, भगवान को किसी की आलोचना करना भी पसंद नहीं है। भगवान ने जितनी चीज़ें भी बनाई हैं बड़े हिसाब और किताब से बनाई हैं, भगवान ही सद्बुद्धि देता है लोगों को पढ़ने की, भगवान ही सीखने के लिए देता है कि आप सीख जाइए, भगवान ही सारे काम करता है। हम और आप तो सिर्फ, जो मैं काम कर रहा हूँ ये मुझसे भगवान ही तो करा रहा हूँ, आप जो कर रहे हैं आपसे भगवान ही तो करा कि आपकी रोजी रोटी बन गई। जो भैंस पालते हैं, जो गाय पालते हैं, वो भी हमारे सब भाई हैं। अरे ज़रा पंखा चला देना भाई, तो ये गर्मी भी बहुत लग रही है मुझे, मैं काम भी बहुत करता हूँ और मैं थक जाता हूँ। आप लोग को देखकर थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है कि चलो, पशुपालक भाई, महाराष्ट्र में बहुत डेयरी हैं, बहुत डेयरी वालों के फ़ोन आते हैं महाराष्ट्र से, गुजरात से, एमपी से, और वो लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। सुनील यादव जी, आप लेट हो गए, कोई बात नहीं है, आप आइए, लेट नहीं है आप, जब आ जाइए, जब जाग जाइए तभी सवेरा है। रेगुलर डायरिया फ्रॉम 3 मंथ से, 3 मंथ से लगातार उसको डायरिया है। बताइए क्या करेंगे आप लोग, लिख के बताइए, किसी भैंस को 3 महीने से लगातार डायरिया है, और एक डायरिया ऐसा होता है कि दवा दे दो डायरिया ठीक हो जाता है, और दवा का जैसे ही असर कम होता है फिर डायरिया हो जाता है, दवा दो फिर डायरिया ठीक हो जाता है, दवा बंद करो फिर डायरिया हो जाता है। बताइए वो कौन सी कंडीशन है जिसमें बार बार डायरिया होता है, दवा देने के बाद बंद हो जाता है लेकिन उसके बाद भी फिर दोबारा हो जाता है, बताएं ऐसी कौन सी कंडीशन है, बताइए आप लोग। आप भी लोग से पूछ रहा हूँ, जॉन्स डिजीज। अरे यार शर्मा जी, आपने तो बहुत जल्दी जवाब दे दिया,
दैट इज कॉल्ड ए जॉन्स डिजीज। जॉन्स डिजीज में ऐसा होता है कि आप जो भी दवा लगाओगे उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर विटामिन की डेफिशिएंसी फ्लूक से जॉन्स डिजीज। इंद्रजीत जी सलाम आदाब। ये सारे लोग हैं, सल्फा मोतीलाल को डायरिया है। नहीं भाई, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, सब लोग अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग उनसे पूछने लगे वो खुद यहाँ से हट जाएंगे अगर आप लोग पूछने लगोगे, क्योंकि किसी के ऊपर भी कमेंट्स करना बहुत आसान काम है, उसका सामना करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हम आपको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप करेक्ट हो जाएं, पहले हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप कनेक्ट हो चुके हैं, अब हम आपको करेक्ट करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस, वेरी गुड। अब आप मुझे एक एक करके ये बताइए, डायरिया में अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो, एक दवा रह गई है जो मैं आपको देसी बताने वाला हूँ। अब आप ये बताइए कि आपको ये जो डायरिया के बारे में बताया गया है, इससे आप संतुष्ट हैं, बताइए। डायरिया से का जो ट्रीटमेंट बताया गया है, आप इसको समझ में आप लोग के आ गया, आप लोग कर पाएंगे? जो भी पशुपालक भाई हैं वो अपना काम कर पाएंगे? बहुत सारे लोग पशुपालक भाई भी रहते हैं, ये ज्ञान पशुपालक भाइयों के लिए भी है, ये जो भी ज्ञान लेना चाहे उनके लिए भी है, जो आम आदमी उसके लिए भी है, जो खास आदमी है उसके लिए भी, एडवांस प्रेगनेंसी। हेमंत जी आप लोग सुन ही रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग मिलकर सारे काम कर ही रहे हैं और करते रहिए, और एक एक चीज़ को आप देखते रहिए किस तरीके से आपको काम करना है, कैसे कैसे क्या करना है, क्या आपको आगे बढ़ाना है, क्या कैसे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो अब हम आपको एक रोचक जानकारी और देना चाह रहे हैं, वो रोचक जानकारी ये है कि पशुओं में बांझपन की समस्या बहुत ज़्यादा है। हम अगले हफ्ते से बांझपन के ऊपर एक लेक्चर डिलीवर करेंगे, रोज़ हम बांझपन के ऊपर बोलेंगे, क्योंकि इस वक्त बांझपन के ऊपर अगर हमने बोल दिया तो ये बहुत अच्छा सीज़न आने वाला है। ये कौन सा सीज़न आने वाला है बांझपन का? ये सीज़न वो आने वाला है कि जिसमें अक्टूबर नवंबर में ब्रीडिंग सीजन होता है, भैंस आसानी से कंसीव होती है, आसानी से रुकती है। इस सीज़न में हम जब आपको फार्मूले बताएंगे, अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर से जब ब्रीडिंग सीजन आएगा तो गायों के अंदर नहीं, भैंसों के अंदर जो बांझपन की समस्या है वो लगभग 90% दूर हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे पास टॉपिक क्या है? हमारे पास बांझपन का टॉपिक है, हमारे पास रोज कुछ ना कुछ टॉपिक है कि कुछ ना कुछ। आजकल मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है, वो कौन सी वीडियो डाली है? वो वीडियो डाली है मैंने जो आप परेशान हैं, बच्चा फंस गया कैसे निकालना है। लोगों ने कहा थोड़ी सी बड़ी करके डालें, तो कुछ बड़ी करके भी डालेंगे वीडियो, पूरा एक एक स्टेप हम आपको समझाएंगे और सिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या होता है। मैं पूरा लेक्चर ले चुका हूँ, एक एक स्टेप बता चुका हूँ। डिस्ट्रोकिया में कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है मैंने जो डिस्ट्रोकिया आपकी समझ में नहीं आई हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको कैसे क्या करना है।
अब हम आपको एक दो बातें और बताएंगे और वो बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। वेटनरी में जो पशुपालक हैं वो अवेयर हो जाएं, उनको ये पता होना चाहिए कि पशु की जेल नहीं निकले। बुखार की दवा हर पशुपालक को पता होना चाहिए कि अगर किसी पशु को बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बुखार की दवा जो मैंने कल बताई थी वो आप ले सकते हैं। एक एक करके मैं चीज़ें आपको सब बता रहा हूँ कि किस टाइप से क्या करना है। बहुत जल्द आप लोग से मैं मिलूँगा, बहुत जल्द मैं कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ, बहुत जल्द मैं लोगों को बताने वाला हूँ कि इस टाइप के सेशन जैसे मैं कर रहा हूँ, हर मेरा साथी वेटनरी डॉक्टर जो ज्ञान उसने अर्जित किया है वो अपने साथियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, जो जिसको उस ज्ञान की ज़रूरत है उनके साथ उसको शेयर करेगा तो बहुत सारा कल्याण होगा। हर इंसान बहुत कीमती है, हर इंसान के अंदर बहुत दम है, हर इंसान अपने आप में सक्षम है। अगर वो इंसान अपने आप में सक्षम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको एक एक करके इसलिए नहीं बता रहे कि कोई भी चीज़ आपकी इधर से उधर रह जाए। चलिए आज मैं आपको, बहुत लोगों ने कहा था कि हम नए प्रैक्टिस करने वाले हैं, कई डेयरी वालों ने कहा था कि हमसे इंजेक्शन लगाना नहीं आता, तो मैंने उनके लिए आईवी कैसे लगाया जाए, आईवी काय में कान में, तो हेड की तरफ कान को दबा लेंगे आप, कान को दबाएंगे तो कान की नस वैन प्रोमिनेंट हो जाएगी, और जब वैन प्रोमिनेंट हो जाएगी तब उसमें आप आसानी से इंजेक्शन लगा सकते हैं। आईवी को लोगों ने बहुत पसंद किया। प्रोलैप्स की मैंने डाली है, अब समस्या प्रोलैप्स की है, आईवी की आएगी, डिस्टोक की आएगी, आएगी उसी चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, और ये हाइपोमैग्नीशियम की आएगी, लवारों में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और आप लोग छोड़ के भाग जाते हैं, किसान भी इलाज नहीं कराता। अगर उन छूटे हुए लवारों को आप ठीक कर पाएंगे तो पशुपालन का उद्धार होगा। एक से एक चीज़ बढ़कर हम आपको बताते हैं, लेके आते हैं, और आप देख रहे होंगे आज मेरा पहली बार एनर्जी लेवल कम हो रहा है। आज मेरा बहुत सारा एनर्जी लेवल कम हो रहा है, इनफर्टिलिटी पे भी बताएंगे, आप थोड़ा सा मुझे हौसला देते रहिए, मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, बहुत सारा काम मैं आप लोग के साथ करता ही रहता हूँ। सर पाकिस्तान वाले भी आपको भी पसंद करते हैं, पाकिस्तान वाले भी पसंद करते हैं, उनकी उनको सलाम, वेरी गुड। इन्होंने लिखा है डायरिया की दवा जो मैंने बताई थी इन्होंने लिख दी, वो दवा मैं बताना भूल गया था, लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि अगर किसी भैंस को डायरिया है और वो किसी से ठीक नहीं हो रहा तो दो दवाएँ मेरे पास हैं जो मेरे खुद की प्रैक्टिस से मैंने सीखी हैं। वो कौन कौन सी दवाएं हैं, पहली दवा का नाम नोट कर लो आप, पहली दवा है मुल्तानी मिट्टी, जिससे सर्द होते सर्द होनी मिट्टी, और उस मिट्टी को पीस लोगे, छान लोगे, 100 ग्राम मिट्टी लेनी है आपको, और उस मिट्टी को पीसने और छानने के बाद आपको चावल की माड़ में एक गोला बनाना है, एक गोला 100 ग्राम मिट्टी का आप चावल की माड़ में देना, मेरा तजुर्बा यह है कि वो 10 बंद हो जाएंगे, पहली खुराक में नहीं होंगे तो दूसरी, और दूसरी में नहीं होंगे तो तीसरी में हो जाएंगे। बड़ी बात यह है, कौन सी दवा बताई मैंने आपको, संजीव कुमार जी रेस्ट, तो मैं इस कोर्स को कंप्लीट, इस टॉपिक को कंप्लीट के बाद ही लूँगा, धीरे धीरे मैंने स्पीड कम कर दी है लेकिन मैं इसको कंप्लीट करूँगा। मुझे पता है निकुल जी आप थोड़ा लेट, बहुत लोग प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, बहुत लोग
जिंदाबाद के नारे, जिंदाबाद उस खुदा का, उस भगवान का जिसने हमें बनाया है। दवा क्या बताया मैंने, सिर धोनी मिट्टी चावल की मांड में मिला के देंगे, एक दवा तो ये हो गई। दूसरी दवा मैं और बता रहा हूँ आपको, दूसरी दवा है, दूसरी दवा बताने से पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, चलिए वो आज बात याद आ गई, कल मैं भूल गया था। अगर कोई 100 वाट का बल्ब जल रहा है और बल्ब बहुत तेज़ी से जल रहा है, उम्मीद ये की जाती है कि इसकी तेज़ी इतनी तेज़ है कि इसकी रोशनी बहुत दूर तक जा रही है। ध्यान से सुनिएगा आप, अब मैं थोड़ा एनर्जी में आ गया, चूँकि एनर्जी की बात सुना रहा हूँ। अगर कोई बल्ब, बिजली का बल्ब बहुत तेज़ जल रहा है और बहुत दूर तक उसकी रोशनी जा रही है, बेहद दूर तक उसकी रोशनी जा रही है, बल्ब जल रहा है और बहुत दूर तक उसकी रोशनी जा रही है, कोई इंसान जो नेगेटिव एनर्जी के साथ है, दो टाइप के लोग होंगे। एक वो होगा जो उस रोशनी में बैठकर उसका एन्जॉयमेंट लेगा, उसको एन्जॉय करेगा, उसमें लिखेगा, पढ़ेगा, उससे उस रोशनी का फ़ायदा उठाएगा, उसका अपना काम करेगा। एक तो पॉजिटिव एनर्जी वाला हुआ कि उस बल्ब का, रोशनी का इस्तेमाल करेगा, वहाँ बैठ के पढ़ेगा, लिखेगा और भगवान को धन्यवाद कहेगा, उस बल्ब के लिए धन्यवाद कहेगा कि भाई तूने हमारी पढ़ाई लिखाई सही करी। और एक लोग और होंगे, एक तरह का एक आदमी और होगा, उस आदमी का काम होगा उस बल्ब को बंद करना, उस बल्ब को, उसकी रोशनी को बंद करना। वो जब हाथ से रोशनी बंद करेगा तो उसके हाथ जल जाएंगे, और अगर हाथ से बंद करके किसी कपड़े की सहायता से अगर उसे बंद करेगा तब भी दूर से लोगों को ये एहसास होगा कि यहाँ कोई चीज रोशनी वाली जल रही है। दुनिया में किसी के पास भी ताकत स्विच बंद करने की नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी बंद कर जाए। वो बल्ब तब बंद होगा जब उसका स्विच बंद करेगा, तब वो बल्ब बंद होगा, उसकी एनर्जी खत्म होगी और उसकी रोशनी खत्म होगी। और बल्ब का स्विच खुदा ने, भगवान ने, इंसान का जो स्विच, चमक का जो स्विच है वो अपने हाथ में रखा है, वहाँ तक तुम पहुँच नहीं पाओगे। और जब खुदा ने सोच ही लिया है, भगवान ने सोच ही लिया है कि इस बल्ब को और चमकाना है, तो वो चमक के ही रहेगा। अगर आप उसमें हाथ लगाओगे तो हाथ आपके जलते ही जले जाएंगे। वो शमा क्या बुझेगी जिससे रोशन खुदा करेगा। अगर उसमें रोशनी कहीं से गैब से आ रही है तो उसको कोई नहीं बुझा सकता। तो मेरा लोगों से सजेशन ये, कहीं कोई रोशनी दिखाई दे रही है तो उस रोशनी को पॉजिटिव वे में लें। उस आदमी के अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको ना लिया जाए, उसके अंदर से पॉजिटिव चीज़ें ली जाए। लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच, लोग हॉकी देखते हैं, लोग रमी खेलते हैं, लोग ताश खेलते हैं, अपना महत्वपूर्ण समय लोग ताश और रमी और क्रिकेट और डांस की चीज़ें यूट्यूब पर देख के अपना समय को बर्बाद करते हैं। मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य ये था, आपसे रूबरू होने का उद्देश्य ये कि एक घंटा, कम से कम एक घंटा आप और हम बैठ के बात कर लें, पशुपालन की बात कुछ हो जाए, क्योंकि पशुपालन रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों की आमदनी को दुगना करना है, उसने उनके सपने को साकार कैसे होगा जब जब उनकी आमदनी दुगनी होगी। आमदनी दुगनी कब होगी, जब आप पशुपालन को ठीक कर पाएंगे, बांझपन की समस्या को ख़त्म कर पाएंगे, वो पशु दूध हर साल बच्चा देगा, उसका थन खराब नहीं होगा, पशु बीमार नहीं होगा, तब जाके आप अपनी चीज़ों को पॉजिटिव कर पाएंगे। और अगर आपने एक एक चीज़ को नहीं किया तो आपका नुकसान होने वाला है। आपको अपने आप को कैसे करेक्ट करना है, जो भी जिस फील्ड में है उस फील्ड का वो मास्टर होना चाहिए।
अगर किताबें पढ़ने से ज्ञान मिलता तो किताबें तो सारे ही लोग पढ़ते हैं, किताबों के साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर जब आप काम करोगे तो थोड़ा ज्ञान मिलेगा। और जो आदमी किताबों के साथ भी लगा रहेगा और नॉलेज के साथ भी लगा रहेगा वो बड़ी बात बहुत बात होगी। आप किताबों से भी काम कीजिए और नॉलेज भी लीजिए और ऐसे लोग के संपर्क में रहिए जो बेहद मेहनत से काम करते हैं फील्ड में, उनके साथ काम करने का मौका लीजिए। आप हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है और अपने हिसाब से सोचता रहेगा, ना हम उसकी सोच बदल सकते, सिर्फ अपने आप को ठीक रखें तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब आपका कोई एक दो सवाल हो तो आप लोग अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज जो जो आपने काम किया है, जो पशुपालक हैं, जो उनकी समस्या हैं, उमर खान जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, यही प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए। आप लोगों की समस्याएं जो है डॉक्टर उमर खान आपकी मेहनत को नेक समझा, सर दूसरी वाली दवा बताएं। अरे दूसरी, अभी तो दूसरी दवा रह गई है। अरे वेरी गुड, आप लोग छोड़ोगे नहीं, मैं भूल रहा था, आपने नहीं बोला। मैं आपको दूसरी दवा भी बताना चाह रहा हूँ, जब तक आप अपने सवाल पूछ लीजिए क्या क्या क्वेश्चन रह गए। पीडी पर वीडियो बनाएंगे, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के ऊपर हम पूरा बोलेंगे और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का हम ऐसा बताएंगे कि आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा को लेटर लिखेंगे, डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा को लेटर लिखिएगा, उनको आदाब कहिएगा, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि VCI के अध्यक्ष हैं ये डॉक्टर उमेश चंद्रा, MP से ही हैं, बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, वो हमें बहुत भली भांति जानते हैं उन, और बहुत हमारी तारीफ भी करते हैं, हर मंच से कहते हैं डॉक्टर उमर खां बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ही अच्छे नेक इंसान भी हैं और उनका बहुत बड़ा स्टेटस MP में, लोग उनको बहुत चाहते हैं। MP में मेरे बहुत तमाम सारे डॉक्टर्स हैं, उनके इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया था, उनको बताया गया था कि कैसे कहाँ क्या होगा, बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, बहुत अच्छे अच्छा काम भी करते हैं, बहुत अच्छी उनकी मेहनत है, बहुत लोगों से मिलते जुलते भी रहते हैं, वो बहुत अच्छे आदमी भी हैं। डायरिया में अब मैं दूसरी दवा बता देता हूँ, ये सर बोलिए उपाय, प्री बैचुअर डिलीवरी के, प्री बैचुअर डिलीवरी का मतलब है कि वो 7-8 महीने में समय से पहले बच्चे डाल गए, तो पशुओं में ब्रूसोलिसिस बीमारी होती है, ट्राइकोमोनोसिस होती है, ये 3 बीमारी होती है जिसमें समय से पहले बच्चे डाल देती है भैंस, इसके ऊपर भी हम पूरा बोलेंगे। फाइब्रोसिस के बारे में भी बताएंगे, फाइब्रोसिस के ऊपर पूरा बोलेंगे, एक एक चीज करके हम बोलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइक्रोफ्लोरा, ये सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब वो दूसरी दवा के बारे में नोट कर लें आप, एक दवा मैंने बताया आपको, क्या बताई थी, सिरधौनी मिट्टी चावल की मांड में मिला के एक गुल्ला दीजिए और वो ठीक हो जाएगी, वो ना हो तो 30 दिन दे दीजिए। दूसरी दवा नोट कर लें आप, 5 किलो चावल की पॉलिश, 5 किलो खड़िया मिट्टी, 2 किलो चारों तरह के नमक और 2 किलो मिनरल मिक्सचर, ये सब मिला के रखिए और 300 ग्राम प्रतिदिन पशु को दीजिए। अगर किसी पशु के पैर के अंदर लंगड़ापन है, कोई पशु लंगड़ाता है, लेमनेस है, वो भी इससे भाग जाएगी,
कोई पशु कंसीव नहीं हो रहा है वो भी कंसीव हो जाएगा, अगर किसी पशु को डायरिया है वो भी डायरिया भी इससे कंट्रोल हो जाएगा। चूँकि कंप्लीट सोर्स है ये, जो हमारे शरीर के अंदर ट्रेस मिनरल्स की कमी हो जाती है, एलिमेंट्स की कमी हो जाती है, वो सारे मिनरल मिक्सचर में और वो चारों तरफ के नमक के अंदर, चावल की पॉलिश के अंदर और खड़िया मिट्टी के अंदर हैं। ये दवा, दूसरी दवा यही है कि दस्तों में अगर आप इसको देते हैं 300 ग्राम पर डे, तो तीसरे चौथे दिन के बाद जो क्रोनिक डायरिया था, वो क्रोनिक डायरिया भी, इसमें तूतिया की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, सब लिख लेते हैं, बड़ा मुश्किल है। तूतिया वहाँ उस वक्त ज़रूरत थी, इस वक्त हमें डायरिया के ऊपर बोल रहे हैं तो तूतिया की ज़रूरत नहीं है। पूँछ में कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए पूछ रहे हैं, पूँछ के इन्फेक्शन का इलाज क्या करना चाहिए, तो वो देख के उसका इलाज होगा कि वो किस टाइप की पूँछ है, उसका फ़ोटो भेजिएगा, उसको देख लेंगे और समझ लेंगे। और कल हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज वाकई मेरे भैंस की नॉर्मल डिलीवरी हुई, पर दो दिन से साफ खून आ रहा है। अगर खून आ रहा है तो आप 50 ग्राम फिटकरी पर डे 3 दिन तक दे दीजिए, खून आना बंद हो जाएगा। देने का मतलब उसे खिला दीजिए, फिटकरी से खून रुक जाएगा। वेट प्रोफेसर को गंदा मत करो, गाय को वो गाय बीमार ब्याती और ब्याने के बाद 5-10 दिन बाद बीमार पड़ जाती, क्यों आखिर क्यों? जब पशु ब्याता है तो हार्मोनल चेंज होता है, और हार्मोनल चेंज ऐसा होता है कि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस टाइम पे कम हो जाती है, और पशु की जब रोग प्रतिरोधक बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाएगी तो पशु बीमार पड़ जाएगा। तो उस टाइम पे आपको पशु की विशेष देखभाल करनी है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। सर्जरी एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। दूसरी मेडिसिन मैंने अभी रिपीट करा दी आपको, चावल की पॉलिश है, मिनरल मिक्सचर है 2 किलो, चावल की पॉलिश 5 किलो, 5 किलो खड़िया मिट्टी, 2 किलो मिनरल मिक्सचर और 2 किलो चारों तरह के नमक मिला के पशु को दीजिए 300 ग्राम पर डे। पशु का डायरिया कंट्रोल हो जाता है, रुक जाता है। एक एक करके चीज़ों का बताने का उद्देश्य यह है कि आप लोग अपने आप को करेक्ट कर लें, और अगर आप करेक्ट हो गए तो पशुपालन भी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पशुपालन का बहुत बड़ा हिस्सा या तो पशुपालन में जो है वो खुद करता है, या फिर पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनका इलाज किया जाता है। डायरिया में लोग इंजेक्शन पूछ रहे हैं, डायरिया के इंजेक्शन से भी इलाज हो सकता है। इंजेक्शन लगाइए उसको, आईवी करके इंजेक्शन लगाइए, मेट्रोजिल चढ़ाइए, मेट्रोजिल 500 से 700 ml मेट्रोजिल, 50 से 70 ml ऑक्सी आईवी आप उसको दीजिए। बेहतर रिजल्ट पाएंगे। जब मैंने बताया कि वो डायरियल बोवाइन बैक्टीरियल होता है, तो जब वो उस टाइप का डायरिया है तो उसी से हो जाएगा। अब कोई आपका सवाल तो है नहीं, मैं विदा लेता हूँ, और कल फिर मैं आपके साथ, कल या परसों नए टॉपिक के साथ आऊँगा, और फिर मैं आपसे मिलूँगा। कौन कौन लोग हैं, लेक्चर का टाइम 9:45 करने के लिए सजेशन आया है कि आप 9:45 करिए, कुछ लोग
सवा दस साढ़े दस की बात करते हैं, हो सकता है कि 9:45 की वजह से मैं थक गया हूँ, चूँकि मेरी सोने की आदत सात समय में सो जाता हूँ, अभी लगभग 11 बज रहे हैं तो 11 बजे से पहले ही मैं हमेशा सो जाता हूँ। सल्फा डायरिया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आप लागू कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया चीज़ें मैं आपको शेयर भी करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एक से एक बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए डालूँ ताकि आप अपने आप को ठीक कर पाएँ। आप लोग को वीडियो भी पसंद आ रहे होंगे, लाइव भी पसंद आ रहा है और अब मेरा ख्याल है कि आपको कोई भी दिक्कत 10-15 कोई 10-15 कहता है, कोई 9:45 कहता है, कोई 10:30 कहता है, ये सारा आप लोग डिसाइड कर लें कौन सा रखा जाएगा, वही समय हम रख देंगे। और इंसान को चाहिए कि जो प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन से इज्जत करना सीखे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी देर से मैं थका हुआ भी हूँ, आपको लग भी रहा होगा कि मैं थका हुआ हूँ, उसके बावजूद भी आपके सामने मैं आया। आप देख लीजिएगा कि आप लोग का कितना प्यार है, बिल्कुल खड़िया मिट्टी देना है, इतनी एनर्जी लेवल भी मेरा नहीं बचा है कि मैं सही तरीके से और लंबा बात कर पाऊँ आपसे, इसलिए मुझे मजबूरी में मन तो नहीं कर रहा आपको छोड़ने का। आज हमने एम्पुटेशन के ऊपर भी लोगों को बताया है, आपको एम्पुटेशन भी की भी वीडियो हम डालेंगे किस टाइप से एम्पुटेशन किया जाए ताकि लवारे की भैंस की कटरे की जान को बचा लिया जाए। और महेंद्रा पागरी जी, हाँ मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुड नाइट के लिए कह रहे हैं और मैं भी गुड नाइट के लिए आपसे कहने वाला हूँ, वेरी गुड। मैं बहुत थका हुआ हूँ, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। बहुत प्यार करते हैं आप लोग, ऐसे ही प्यार करते रहिए और बहुत नए टॉपिक के साथ हम लोग रोज़ मिल ही रहे हैं, कल फिर मिलते हैं। और इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पर रोकता हूँ। आप सब लोग के लिए कल का दिन शुभ हो, नाइट आपकी बहुत अच्छी हो, स्वीट ड्रीम्स आपके अंदर, अच्छे अच्छे ख्वाब देखें, आप ख्वाब में आप भैंस देखें, गाय देखें, इलाज करते हुए देखें, और किसान ख्वाब में बाल्टी भर के दूध लेते हुए की बात करें कि मैं बाल्टी भर के भैंस का दूध ले लूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूं। गुड नाइट, सब्बा खैर, खुदा हाफिज़।